केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ खुशी खत्री। तो आइए नजर डालते हैं अभी की खबरों की ओर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुरारी में नवनिर्मित कोविड 19 अस्पताल का दौरा किया, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की। उन्होंने कहा कि ये समर्पित अस्पताल कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में शक्ति जोड़ेगा। कोरोना वायरस और इसके संक्रमण के मुद्दे पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस केवल और केवल सियासत कर रही है, जबकि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेकर कोरोना से निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी अलग बैठक कर अपने मुख्यमंत्रियों को कांग्रेस का एजेंडा लागू करने को बाध्य कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यदि कोरोना से जंग में राष्ट्र को सहयोग नहीं दे सकती तो कम से कम कोविड 19 के मुद्दे पर देश को बांटने का काम ना करे। कोरोना वायरस के मुद्दे पर सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी सियासत कर रही है, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे राज्य के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लिया, इकट्ठा और एकजुट होकर कोरोना से एक लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे दुनिया में उनकी प्रशंसा हो रही है, लेकिन सोनिया जी अभी अपने मुख्यमंत्री और दूसरे मुख्यमंत्री यानी कांग्रेस और अन्य राज्य के मुख्यमंत्री को अलग अलग बांटने का काम कर रही। इस पर तो सबको एकजुट होना चाहिए और उस पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि लॉकडाउन कब खुलेगा, उसके बाद क्या होगा। पूरी स्ट्रेटजी तैयार है। कांग्रेस अगर सहयोग नहीं दे सकती तो कम से कम देश को कोरोना वायरस के मुद्दे पर बांटने का काम न करे। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी रोज कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसको कमजोर कर रही है और कभी राहुल जी और कभी सोनिया जी जिस तरह का सवाल उठा रहे हैं उससे वार अगेंस्ट कोरोना की जो लड़ाई है वो कमजोर होती है। कम से कम कांग्रेस पार्टी को कोविड 19 से लड़ते हुए इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश पूरी तरह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का साथ लेकर कोरोना से एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। पटना में बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने मीडिया कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। कोरोना संक्रमण के कारण जो वर्तमान स्थिति है उसकी लगातार समीक्षा की जा रही है और जो भी आवश्यक समझा जा रहा है वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तथा मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रतिदिन इसकी गंभीरता से समीक्षा की जाती है। जो अभी की स्थिति है उसमें हम लोगों के आपदा राहत केंद्र जो चल रहे हैं, जो विभिन्न शहरों में दिहाड़ी मजदूर, ठेला वेंडर, रिक्शा चालक, इस तरह के ज़रूरतमंद व्यक्ति जो भी फंसे हुए हैं उनके लिए 186 रिपोर्टिंग डेट तक चल रहे हैं और उसमें लगभग 65,788 इतने लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विशेष सहायता जो दी जा रही है वो जैसा मैंने बताया 19,46,000 लोगों को ये राशि अभी तक उनके खाते में एक्चुअली ट्रांसफ़र की जा चुकी है। हम लोगों ने एक ये भी आंकड़ा लेने की कोशिश की है कि लगभग कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है इस अवधि में, लॉकडाउन की अवधि में। कुछ जो कार्य थे वो अलाउ हुए बीच में, कुछ पहले से अलाउड थे, तो एक टेंटेटिव फिगर जो हम लोगों ने लिया है कि जो सरकारी योजनाएं चली इसमें मनरेगा, जल जीवन हरियाली, इसके अलावा हर घर नल का जल, पक्की गली नली, इस तरह की करीब 12-13 विभाग का फिगर हम लोगों ने लिया है, जिसमें जो टेंटेटिव फिगर है, ये कोई फाइनल फिगर नहीं है, बट टेंटेटिव फिगर करीब 1,34,00,000 कम से कम मैनडेज इतने क्रिएट हो गए हैं। यानी हम लोगों का सरकार का पूरा ध्यान है इस बात पे कि जो लोग आ रहे हैं या जो लॉकडाउन के कारण काम रुका हुआ है उसमें लोगों को रोज़गार मिलता रहे, समस्या नहीं हो। राशन कार्ड धारियों को जो हम लोग 1,000 रुपये की राशि परिवारों को दी जा रही है वो लगातार संख्या बढ़ रही है। अभी तक 1,21,00,000 परिवारों को ये राशि ट्रांसफ़र हो गई है और शेष को भी बहुत जल्दी ही करीब 18,00,000 और डाटा हम लोगों के पास आ गया है। तो ये बहुत तेज़ी से राशि ट्रांसफ़र की जा रही है।
खबर रांची से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को आज सुबह गंभीर हृदयाघात के बाद रिम्स रांची में भर्ती कराया गया। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत की देखरेख में उनकी चिकित्सा एवं एंजियोप्लास्टी की गई। डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि उनकी स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। प्रकाश की चिकित्सा लॉकडाउन एवं वार्ड के अन्य मरीजों को कोई असुविधा न हो, इसके मद्देनजर पार्टी ने कार्यकर्ताओं शुभेच्छाओं से रिम्स न पहुंचने का अनुरोध किया है। खबर साहिबगंज से है। एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने आज प्रेस वार्ता की, जिसमें राजू मंडल हत्या के मामले को सुलझा लिया गया। जिस हथियार से हत्या की गई थी वह भी पुलिस की गिरफ्त में है। राजू मंडल नाम के युवक की हत्या मामले को लेकर शहर के झरना कॉलोनी निवासी गणेश मंडल ने अपने पुत्र राजू मंडल को गोली मारकर हत्या कर देने का आरोप मोहल्ले के ही प्रेमलाल मंडल, विकास सिंह, कुंदन यादव व अमरनाथ मिश्रा पर लगाया है। नगर थाना कांड संख्या 5920 दिनांक 4/5/20 धारा 364-120 बी 34 में दर्ज की गई थी। वादी जो है गणेश कुमार मंडल के आधार पर उन्होंने एक गिरफ्तार अभियुक्त कुंदन यादव एवं अन्य को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। और इस कांड के प्रतिवेदित होने के बाद नगर थाना प्रभारी हमारे डीएसपी राजा मित्रा, नगर इंस्पेक्टर धर्मपाल एवं अन्य सहयोगी कर्मी के द्वारा एक टीम गठित की गई और उन्हें इस कांड का उद्भेदन करने की जवाबदेही दी गई। इस टीम ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एक टीम वर्क के साथ इस कांड का सही उद्भेदन कर लिया है। और इस उद्भेदन में अब तक हम लोगों ने 10 लोगों को पकड़ा है, जिसमें मुख्य अभियुक्त कुंदन यादव हैं, मानिक मंडल है और अन्य अभियुक्त हैं। उसका डिटेल हम आप लोगों को दे देंगे। ज्ञानस्थली परिवार ने पुणे जिला प्रशासन के तत्वाधान में रेड क्रॉस द्वारा अडानी फाउंडेशन और नगद परिषद के सहयोग से संचालित कम्युनिटी किचन में अपना उल्लेखनीय अंशदान दिया। विद्यालय परिवार की ओर से गुरुवार सुबह समीपवर्ती राज्य एवं जिले से जिला प्रशासन द्वारा गोड्डा लाए गए प्रवासी मजदूरों के अलावा उनके मेडिकल टेस्ट व स्वागत में लगे 130 लोगों को फूड पैकेट उपलब्ध कराया गया। हनवारा थाना क्षेत्र के ग्राम मन्नान करहरिया निवासी सलीम बैठा पिता स्वर्गीय जमानती को हनवारा पुलिस ने गिरफ्तार कर गुरुवार को गोड्डा जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी सूरज कुमार ने बताया कि आरोपी के भाई असीर बैठा ने ही थाने में 15 अप्रैल 2020 को लिखित आवेदन देकर उक्त आरोपी को नामजद आरोपी बनाया है, जिसके खिलाफ हनवारा थाना में कांड संख्या 2220 धारा 147, 148, 149, 448, 323 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उसके घर में घुसकर गाली गलौज, मारपीट, अश्लील हरकत व दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। उपायुक्त महोदया गोड्डा श्रीमती किरण पासी के द्वारा गोड्डा जिलावासियों को संदेश दिए गए हैं कि कोरोना संक्रमण के कारण देशभर में लॉकडाउन है। भारत सरकार ने पहले से जारी लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त जारी लॉकडाउन का पालन करना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क का प्रयोग करना और साफ सफाई पर मुख्य रूप से ध्यान देना बेहद अहम है। इसमें जिलावासियों की सहभागिता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। हर कार्य करने के बाद साबुन या हैंडवॉश से अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। ऐसा करके कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अभी तक 1 पाई गई है। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि संक्रमित क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।